देखिए ये है सोल्यूशन का लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? अटेंड नहीं कर पाए क्लास तो ध्यान रखना कि ये सोल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है और ये अभ्यास का, ठीक है? तो आपको ये सवाल मिलेंगे एनसीईआरटी का जो आपका बुक है वो पतला वाला, वहाँ पर जाएंगे तो आपको अभ्यास सॉल्व करना पड़ेगा, सब आपको अभ्यास लगाना ही है। तो अभ्यास का जो पहला, अब देखिए आपको ना प्रत्येक जो अभ्यास के जितने भी सवाल हैं सबको मिलेंगे यूट्यूब पर लेक्चर के फॉर्म में। तो मान लीजिए कि आपका ये पहला लेक्चर है, ठीक है, अभ्यास का सोल्यूशन चैप्टर का। तो पहला सवाल इसमें दिया है 2.1 बिलियन को परिभाषित कीजिए, है ना? और ये कितने प्रकार के बिलियन संभव होते हैं, ये सब सारी बातें आप समझ जाएंगे, वो कॉमन चीज़ें हैं। और 2.2 जो क्वेश्चन है ये भी एक सरल है, एक ऐसे ठोस बिलयन का एग्जांपल दीजिए जिसमें बिलय कोई गैस हो, है ना? तो ये सब कॉमन चीज़ है, पढ़ेंगे आपको तुरंत आ जाएगा, फिर भी आप देख लीजिए। यहाँ पर दिया है पहला जो अभ्यास का जो 2.1 है। अब 2.1, 2.2, 2.3 ये सब है क्या? 2.1 का मतलब होता है कि ये दूसरे पार्ट का पहला सवाल है और 2.2 दूसरे पार्ट का दूसरा सवाल, ठीक है? तो बिलयन को परिभाषित कीजिए, किसको बोलते हैं सोल्यूशन? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलयन कहती है, ठीक है? खास करके तीन टाइप का होता है, असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त। और वैसे देखेंगे तो ये 9 प्रकार का होता है अवस्था के बेस पर, ठीक है? ठोस में ठोस घोलेंगे तब बनेगा, ठोस में द्रव घोलेंगे, द्रव में गैस घोलेंगे, ऐसे 9 टाइप का ये हो जाता है। अब यहाँ पर दिया है कि एक ऐसे ठोस बिलयन का एग्जाम्पल दीजिए जिसमें बिलय कोई गैस है, ना? बिलय के रूप में गैस है, ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिसमें ठोस हो और जो बिले है वो क्या है? गैस। देखो बड़ा कॉमन चीज़ है सवाल ये, जब प्लेटिनम का जो प्लेट होता है उसमें प्लेटिनम के प्लेट में हाइड्रोजन गैस जाकर के घुली होती है, ठीक है? प्लेटिनम के प्लेट में हाइड्रोजन गैस जाकर के घुली होती है, तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल इसमें ठोस में जाकर गैस घुला हुआ है, या तो आप कह सकते हैं प्यूमिक स्टोन, ठीक है? प्यूमिक स्टोन जो होता है वो एक ऐसा पत्थर होता है ये जिसमें कि गैस उसमें जाकर घुली होती है, और यही वजह होता है कि प्यूमिक स्टोन जल की सतह पर तैरता रहता है, जिसको राम सेतु कहते हैं, है ना? तो राम सेतु में यूज होने वाले जो पत्थर होते हैं वो सब प्यूमिक स्टोन होते हैं। अब अगला दिया है कि मोलन्स को परिभाषित कीजिए, मोललता क्या है, मोलरता, द्रव्यमान परसेंटेज क्या, सब कॉमन चीज़ें। तो चलेंगे 2.4 पर, जो आपका पहला अभ्यास का मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन है, 2.4 दिया है, प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाले वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जली बिलयन है, ठीक है? यदि इस बिलयन का घनत्व दिया 1.504 ग्राम प्रति ml हो तो अम्ल के इस नमूने की मोलरता क्या होगी, ठीक है? तो आपका ये हो गया पहला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिया है, फटाक से लगाएंगे, सवाल बहुत इजी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए, 2.4 में सॉल्व कर रहा हूँ जी, 2.4 प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 की बात हो रही है, ठीक है? द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जली विलयन को मिलाकर के इसका 68% द्रव्यमान की दृष्टि से दिया है, मतलब कि 68% W/W HNO3, इसको पढ़ना सीख लीजिए, इतने का मतलब ये हुआ। तो डेंसिटी दिया है 1.504 ग्राम प्रति ml, ठीक है? तो मोलरता ज्ञात करना है। चलो एक काम करते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं कि ये है क्या चीज, पढ़ना सीख लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। दिया है द्रव्यमान की दृष्टि से 68%, तो इसको लिखते कैसे है, 68% W/W HNO3। तो जिस जिन्होंने पढ़ा होगा हमसे उनको तो आइडिया है, वैसे कोई बात नहीं, आप सबको आ जाएगा। सुनिए इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ेंगे इस प्रकार से आप कि 68 ग्राम HNO3, ठीक है? 68 ग्राम HNO3 क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऊपर का ना ये बिले का होता है और ये होता है बिलियन के लिए, और दोनों भार हैं। तो 68 ग्राम HNO3 100 ग्राम, ठीक है जी, 100 ग्राम बिलियन में घुला है, बिलियन में घुला है। आपको इस प्रकार से पढ़ना है, तो कोई भी परसेंट आपको दिया जाए, चाहे वेट परसेंट हो,
चाहे वॉल्यूम परसेंट हो चाहे वेट बाय वॉल्यूम परसेंट हो, यहाँ पर इसको बोलते हैं वेट परसेंट, ठीक है, द्रव्यमान की दृष्टि से, मतलब कि ये वेट परसेंट दिया है। अब इसका मतलब क्या हो गया, 68 ग्राम एच NO3 100 ग्राम बेलन में घुला हुआ है, तो एच NO3 का जो भार है वो हमको मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इतने से काम हो जाएगा, सुनो ध्यान से, क्या करना हमको, हमको लिखना है फार्मूला, कंसंट्रेशन सी मोलरता पूछा है, तो मोलरता को मैं सी से दिखा रहा हूँ, सी इज इक्वल टू होता है मोल प्रति लीटर, ठीक है, सी इज इक्वल टू होगा मोल प्रति लीटर, और ये मोल होगा भार बटे अणु भार इंटू आयतन लीटर में, और अगर ये ML में हुआ तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, भार है 68, अणु भार HNO3 का निकाल लेते हैं तुरंत, ठीक है, HNO3 का अणु भार निकाल लेंगे, भार इसका दिया 68, और आयतन नहीं पता, तो आयतन कैसे निकालोगे, द्रव्यमान घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, है ना, तो जब आयतन निकालोगे द्रव्यमान बटे डेंसिटी घनत्व तो हो जाएगा, तो भी इज इक्वल टू, देखो ये बिलियन का भार लेना आपको, 100 100 बटे क्या करेंगे 1.504, ये हो गया भी का मान उठा के रखेंगे यहाँ पर आप, तो ये हो गया आयतन, एक काम और करते हैं साथ में हम लोग अणु भार निकाल लेते हैं चमोत्री का, तो यस का तो हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 7 × 14, 14 और 1 कितना हो गया 15, और प्लस 1 कितना हो जाएगा 16 × 48, ठीक है, अणु भार भी बड़ा सरल है जी, यच का 1 होता है, एन का होता है 14, तो 14 और 1 15 हो गया, और ये 16 × 48 हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा 8 × 5 = 13, 4 × 5 = 1 = 6, 63 आ गया, तो रखेंगे सी इज इक्वल टू भार इसका दिया है 68, ठीक है, इंटू करेंगे आप 1000 बटे अणु भार इसका आया 63, ठीक, अणु भार इसका 63 आया, सही ना जी, एच का 1 माने थे और नाइट्रोजन का होता है 14 और 1 15 हो गया, और 16 × 48, 8 × 5 = 13 और 4 × 5 = 6, चलो सही है, 68 होता तो कट जाता, आयतन हमको मिला है इधर से 100 बटे 1.504, मतलब कि ये चलाएगा ऊपर, 1.504 जो है वो चलाएगा ऊपर, तो ये कटा दीजिए आप, 10 बचेगा, है ना, और इस 10 को मैं क्या कर सकता हूँ, 10 को हटा करके मैं इसको 15.04 कर लेता हूँ, तो 68 × 15.04/63, ठीक है, फटाफट क्या करना आपको, गुणा करके और भाग देना है, तो गुणा करके भाग देंगे आप, ये काम खुद से कर सकते हैं, ठीक है, तो 68 × 15.04 गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद आप उसका भाग देंगे, ठीक है, तो जब भाग दोगे 63 से, तो आपका कट करके, सुनिए, जो सी कंसंट्रेशन का वैल्यू आ रहा है, जो कंसंट्रेशन सी का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 16.23, ठीक है, और यही पूछा था मोलरता, तो यही आपका आंसर भी होना चाहिए, समझ गए आप, अब आपको आंसर कहाँ मिलेगा, आंसर पाने के लिए आप जाएंगे बुक के एकदम लास्ट में, ठीक है, फिर लास्ट में जाओगे तो वहाँ पर लॉग और एंटी लॉग दिया है, उसके बाद आप जाएंगे खोलेंगे तब आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो आप जाकर के वहां पर चेक करेंगे, वहां पर दिया रहेगा मोटिव हेडिंग में कुछ अभ्यास प्रश्नों के उत्तर, ठीक है, तो वहां पर एकक फर्स्ट एकक सेकंड, मतलब कि पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे दिया है, तो पार्ट 2 का जो 2.4 वाला क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा 16.23, आप NCERT में जाकर के उसको प्रोडक्ट से चेक कर लेंगे, ठीक है जी, तो आपका ये काम जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, चलते हैं आगे, क्लियर है जी, किसी कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान चीज़ है, तो किसी भी सवाल को लगाने के लिए करना क्या पड़ता है उसको देख लीजिए आप, चूँकि उसको बार बार आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, ध्यान दीजिए, कंडीशन में इतना सा होता है कि जब भी सवाल लगाओ तो उसको पहले ढंग से पढ़ लीजिए, उतना पढ़ लीजिए जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए, है ना, तो मैंने सब कुछ पढ़ करके पहले, और थोड़ा टेक्निकल सवाल रहेगा जी NCERT का, कठिन भी होता है, वैसे कठिन है तो फ्रेश भी रहेगा आपका माइंड, पढ़ने से बड़ा अच्छा रहता है ये, है ना, तो 2.4 का मैंने बता दिया किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा, देख लीजिए मैंने सब अलग अलग किया है, डेंसिटी को यूज करके वॉल्यूम निकाला, क्यों, क्योंकि हमको कंसंट्रेशन सी निकालने के लिए W/m (V)(1000) फार्मूला होता है, हमको भी चाहिए था और भी कहीं पर दिया नहीं है, है ना,
तो सबसे खास बात है कि आप वेट परसेंट को पढ़ना सीख लीजिए। तो मैंने जो लिखा है 68, जो यहाँ पर लिखे हैं 68% W/W HNO3, उसका मतलब क्या होता है आपको वो समझना बहुत ही आवश्यक है। वो समझेंगे तो पूरी कहानी समझ में आएगी, ठीक है। और ये अब मैं चलता हूँ सेकेंड सवाल, जो आपका 2.5 क्वेश्चन है। तो 2.4 तो आपको आ जाएगा, तो 2.5 की ओर चलते हैं। 2.5 क्वेश्चन आपको तब मिलेगा, इसमें भी वेट परसेंट दिया। वेट परसेंट तो समझने के लिए आपको मैं बोला था कि पहले से, चलो बताते हैं इसको, ठीक है। और ये मैं दे रहा हूँ आपको अगले लेक्चर में, तो तुरंत आप आ जाएंगे अगले लेक्चर में, ठीक है।